पार्टी ने उसको ऑफर नहीं दिया है, हम लोग उसको बिल्कुल खारिज करते हैं और मैं भी सहमति नहीं देती हूँ उसको। नहीं, उन्होंने ये बोला होगा, देखेंगे, लेकिन मैं उनकी बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं देती हूँ। किसी के बारे में अगर हम जानते नहीं है और वो भी पाकिस्तान से वो आई है तो बिल्कुल ही मैं उस चीज़ को मैं सहमति बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल ही सीमा हैदर के लिए, पार्टी के लिए बिल्कुल सहमति नहीं दे सकती, क्यों? उत्तर प्रदेश में इतनी महिलाएँ है नहीं जो अपने उत्तर प्रदेश को संभाल सके। सीमा को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए वो उनके हस्बैंड डिसाइड करेंगे कि उनको रखना है या नहीं रखना है। अगर वो दोषी, कुछ भी थोड़ा सा दोषी पाती है तो उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और अगर कोई भी गलत तरीके से हमारे देश में घुसता हो, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, वो ठीक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के दिल्ली प्रदेश से महिला विंग की उपाध्यक्ष हैं। उनसे आज बात करेंगे कि सीमा हैदर पर जिस तरह से उनकी पार्टी का लगातार किशोर, मासूम किशोर जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि सीमा हैदर को हम उत्तर प्रदेश की महिला विंग से अध्यक्ष बना सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां दे सकते हैं। आने वाले चुनावों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी उन चर्चाओं ने। रामदास अठावले जी ने उनको बयान को नकारा भी था कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन आज बात करते हैं महिला विंग इस बारे में, दिल्ली प्रदेश की क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत जी। सीमा हैदर के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि पार्टी ने उसको ऑफर नहीं दिया है, हम लोग उसको बिल्कुल खारिज करते हैं और मैं भी सहमति नहीं देती हूँ उसको। और ठीक है, वो पाकिस्तान से आई है, अभी तो उनके बारे में इंक्वायरी पूरी भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं कि वो किस मकसद से आई है, उनके बच्चे उनके है भी नहीं है और पता नहीं करने क्या आई है, ये इतना अभी खुलासा हुआ भी नहीं है और पार्टी ऑफर तो कर ही नहीं सकती है। एक मैं उसको बिल्कुल खारिज कर। मैम, आपके ही प्रवक्ता हैं मासूम किशोर, उन्होंने ये दावा किया था उस टाइम जैसी सीमा हैदर की सुर्खियों में आई थी कि उनको उत्तर प्रदेश की महिला विंग का हम अध्यक्ष बना देंगे और आने वाले चुनावों में भी देखेंगे कि उनको चुनाव लड़ाया जाए नहीं लड़ा जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने ये बोला होगा, देखेंगे, लेकिन मैं उनकी बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं देती हूँ। किसी के बारे में अगर हम जानते नहीं है और वो भी पाकिस्तान से वो आई है तो बिल्कुल ही मैं उस चीज़ को मैं सहमति बिल्कुल नहीं दूंगी। उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो वो गलत बोला है, इस चीज़ को उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। अगर पार्टी जिस तरह से अभी सीमा हैदर पर इंक्वायरी चल रही है वो बिल्कुल निर्दोष पाई जाती है, उनको क्लीन चिट मिल जाती है, क्या फिर एक बारी विचार किया जा सकता है सीमा हैदर को लेकर? नहीं, मैं बिल्कुल ही सीमा हैदर के लिए, पार्टी के लिए बिल्कुल सहमति नहीं दे सकती, क्यों? उत्तर प्रदेश में इतनी महिलाएं है नहीं जो अपने उत्तर प्रदेश को संभाल सके कि सीमा हैदर जैसी महिला ही, ठीक है वो अपनी जगह, ठीक है अपने प्यार के लिए वो आ गई है, जो भी है, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल सहमति नहीं दूंगी। इसका एक आपको सवाल है कि सीमा हैदर को लेकर जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर भी मिल रहे हैं, अभी हाल ही में केआर के एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी देशद्रोही फिल्म के सीक्वल बनाने की बात की है, लीड रोल देने की, तो क्या इस तरह से तवज्जो देना ठीक है इंडिया में, भारत में, इस तरह से सीमा हैदर को जिस तरह से उन्हें रख लिया गया है, क्या उन्हें रखना चाहिए या उनके साथ उनको वापसी पाकिस्तान भेज देना चाहिए जिस तरह से वो पाकिस्तान से सीमा पार करके आई हैं? इस बारे में तो मैं यही कहूँगी, सीमा को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए वो उनके हस्बैंड डिसाइड करेंगे कि उनको रखना है या नहीं रखना है। अगर वो दोषी, कुछ भी थोड़ा सा दोषी पाती है तो उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक फिल्मों की बात है, फिल्म में तो सिर्फ सीमा हैदर नहीं, पाकिस्तान से बहुत सारे एक्टर लोग हैं, सिंगर लोग हैं, पाकिस्तान से ही ना हो के ये दुबई से है। अवैध तरीके से आई हैं ये, अवैध तरीके से आई है, इसीलिए सोचने की बहुत ज़रूरत है इसके बारे में। और अब क्या बोल सकते हैं, रखना चाहिए उन्हें नहीं रखना चाहिए? मैम, आप जी, मेरा भी मानना यही है कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में महिला की कमी नहीं है, महिलाएं बहुत सारी हैं जिनको आगे फिल्म का ऑफर दे सकते, कुछ भी कर सकते। अगर कोई भी गलत तरीके से हमारे देश में घुसता हो, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, वो ठीक नहीं है, उस पर चल रहा है। जो आप ही के पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें महिला विंग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा या फिर आगे अगर क्लीन चिट मिल जाती है उनको विचार किया जाएगा कि इलेक्शन लड़ाने के लिए, क्या पाकिस्तान से आई जिस तरह से आई हैं उनको इस तरह के बोलना चाहिए आपकी पार्टी को? नहीं, अगर हमारी पार्टी ने ऐसा बोला तो नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली महिलाएं बहुत हैं, उनको तो अभी जांच चल रही है, किसी पे जांच चल रही है, कोई फिल्म बना रहा है या कुछ भी कर रहा, ये तो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और रहा सवाल अगर ऐसा होता है तो हम लोग महिला, हम तो नहीं रहेंगे, इस जो हमारी रिपब्लिक पार्टी है हम उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे अगर सीमा हैदर को अध्यक्ष बना दें। मैं वाली बात नहीं है, हम सहमति नहीं देंगे।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।